नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। खानदाने सहरा पर बुलंद आवाज में सलवात पढ़ें। रसूल के सिर्फ एक बेटी थी, बेबी फातिमा जरा सलामुल्लाह अलैहा, और लोग कहते हैं कि एक नहीं थे, चार थे। इसी पर एक शेर है कि अगर है साहिबे खुदे बरी तो ले आओ, अगर है साहिबे खुदे बरी तो ले आओ, फराजे अर्श है उनकी जमी तो ले आओ। नबी की बेटियां अगर चार हैं तो बिस्मिल्लाह, नबी की बेटियां अगर चार हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहिला में किसा में कहीं तो ले आओ। नबी की बेटियां अगर चार हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहिला में किसा में कहीं तो ले आओ। आइए इसी के साथ मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा आबिदी साहब से कि वो बरसर मेंबर होकर तमाम सामने के फुलूक को जिक्र अहले बैत से रोशन व मुनव्वर करें। इनका इस्तकबाल اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين وَيُغْلِقُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد الله ورسوله وحبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطاهر وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن ومن يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قالت فاطمة سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم من أسعد إلى الله خالصة عبادته
शहजादी कह रहे नहीं,
ये नहीं, इससे क्या होगा, हाँ आगे वाला खुद अपनी मर्जी से लिख दे तो और बात है, लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो शहजादी कह रहे कि खालिसतन इबादत अंजाम से। तो और आज मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इखलास की बात नहीं करूंगा, उनके इखलास की ना मैं बात कर सकता हूँ और ना ही मुझ जैसी गुनाहगार जबान से उनके इखलास का या इखलास की तारीफ हो सकती है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं अहले बैत के घराने की, मासूमीन के इखलास की, शहदाए करबला के इखलास की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका इखलास इस मंजिल पर होता है कि जब इमाम हुसैन सजदा आखिर में होते हैं तो शायर कहता है कि हुसैन राज़ो नियाज में हैं, उन्हें कुछ इसकी खबर नहीं है। बहुत तवज्जो मेरे हजरत, हुसैन राज़ो नियाज में हैं, उन्हें कुछ इसकी खबर नहीं है कि शिम्र उनके गले पे खंजर चला चुका या चला रहा। उनकी इखलास का मेयार इतना बुलंद होता है कि कब खंजर चलता है उन्हें ये पता नहीं चलता। उनकी इबादत में इखलास का मेयार इतना बुलंद होता है कि पैर से तीर निकाल लिया जाता है, उन्हें एहसास नहीं होता। और ये तो बड़े बुजुर्गों की बात है, उनके घर में, उनके मकतब में, उनकी आगोश में परवरिश पाने वाला नन्ना अली अजहर, उसके इखलास की मंजिल की मेराज ये है कि वो तीर खाता भी है तो मुस्कुराता है। जिस जगह खौफ से रोना भी बड़ा मुश्किल था, जिस जगह खौफ से रोना भी बड़ा मुश्किल था, उस जगह हंस के बताया अरे अली असगर ने, वहां एक बच्चा मुस्कुरा के बताता है। तो मैं उनके इखलास की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी राहो रविश पर चलने वाले उलमा और अफाजिल और मुज्तहिदीन और मुखलिसीन की बात मैं इंशाअल्लाह आज करूंगा। इब्तिदा यहां से करता हूं, आपने एक किताब जरूर देखी है और मुझे यकीन है कि आपके हर घर में है, और अगर नहीं है तो वाकई शर्मिंदगी की बात है। और ये किताब इतनी मशहूर है कि हर माँ अपनी बेटी को जहेज में भी देती है। कौन सी किताब है? मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूं, तोहफतुल अवाम ही की बात कर रहा हूं। तो क्या तोहफतुल अवाम के राइटर का नाम आप बता सकते हैं? तोहफतुल अवाम के राइटर का नाम इसलिए कि उसमें लिखा ही नहीं है कि राइटर कौन है। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से सुना है कि उनके लिखने वाले अली हुसैन हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए लिखा नाम की चक्कर में ना रहे तो आज हर घर में उस लिखने वाले की आवाज बुलंद हो रही। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये लिखूंगा और फलां चाप खाने से ये चाप होगी, मेरा नाम रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। नहीं, उन्होंने नहीं चाहा, फिर भी आज हर घर में उनके इखलास का इजहार खुदावंद आलम कर रहा है। इसी तरीके से आप ले लीजिए शेख अब्बास कुम्मी, इनकी मशहूर किताब मफातिहुल जिनान। क्या नाम रखा है, ऐसे लगता है कि इन्होंने अपनी आंखों से जन्नत का नजारा कर लिया हो, है ना। जन्नत की चाबियां, मफातीह चाबी और जिनान जन्नतों की जमा है, है ना, जन्नतों की चाबियां। इसलिए कि खुद कुरान के मफाहिम से भी ये पता चलता है कि जन्नत एक नहीं है और जन्नत का दर्जा भी एक नहीं है। इन्ना लिल जन्नत दरजातुन बिअदद आयातिल कुरान इक्रा वरफा, है ना, जन्नत के लिए उतने ही दरजात हैं जितने की कुरान में आयतें हैं। अभी इंसान के ऊपर है कि वो कितनी आयतों पर अमल करता है और कितने दरजात को हासिल करता है, है ना। तो मफातिहुल जिनान तो आज हर घर में है, और ये किताब, है ना, जबान के बॉर्डर को भी पार कर गई है।
फारसी में लिखी हुई किताब आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, वहां की शिया लाइब्रेरी में चले जाइए, इसका तर्जुमा इंग्लिश में आपको मिलेगा। फारसी में लिखी हुई किताब है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप इंडिया में देखेंगे, उर्दू अदब में देखेंगे, तो उर्दू दान हजरात के लिए उर्दू में भी ये मिल जाएगी। लिखा फारसी में है लेकिन अरब मुमालिक में भी ये किताब आपको मिल जाएगी तर्जुमे के साथ, है ना। क्या है भाई, आज आप देखें कुरान के बाद ईरान में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब छाप होती है तो वो मफातिबुल जिनान है। क्या कर दिया इस बंदे ने, तो अब इनके इखलास को देखिए। तो इनके हिकायतें मैं बयान करता हूं कि मौलाना वसी हसन खान साहब किबला से मैंने सुना है, अलबत्ता मैं खुद पहले भी बहुत पहले पढ़ चुका हूं। इनका इखलास देखिए, आज मुझ जैसा एक तालिबे इल्म अगर 1,000, 2,000, 5,000 लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़ा देता है तो फख्र करता है। मैं तो ऐसा तालिबे इल्म हूं कि जिसने 5,000 लोगों के लिए नमाज जमात अदा कर दी है, इतना बड़ा मैं इमाम जमात हूं, इतना बड़ा इमाम जुम्मा हूं। शेख अब्बास उम्मी, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ा रहे हैं, आगे हैं इमाम जमात की हैसियत से। ये शायद मशहद का ये वाकया है या फिर नजफ का वाकया है, इन दोनों में से एक जगह का वाकया। नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत रुकू में है, दूर से एक आवाज आई, जैसे होता है ना लेट आने के बाद इंसान कहता है या अल्लाह, है ना, तो उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। मैं बात आ गई है तो मैं अर्ज कर दूं कि जो आदमी इब्तिदा से तकबीरतुल इहराम से लेकर नमाज में होता है उसमें और जो रका रुकू में आके शरीक होता है उसमें क्या फर्क है मालूम, पैगंबर की हदीस है। इन दोनों में इतना बड़ा फर्क और फासला है कि जो इब्तिदा से है उसके जन्नत में जाने के 100 साल बाद वो आदमी जाएगा जिसने रुकू में ज्वाइन किया है। अल्लाह अकबर, है ना, इतना ही फर्क है, इतना ही फासला है, है ना। तो रुकू में ये थे, दूर से आवाज आई या अल्लाह, तो इनके दिल में थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि अरे अब जाहिर सी बात है ना, आवाज आती है तो आदमी को अंदाजा हो जाता है कि कितनी दूर से आ रही है। तो एक लम्हे के लिए उनके जहन में आया कि माशाल्लाह कितनी बड़ी जमात होगी। फिर फौरन इनका जमीर इनको झिझोड़ता है और कहता है शेख अब्बास उम्मी तुम ये क्या कर रहे हो। फौरन ये नमाज को तोड़ देते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ो, मैं शेख अब्बास उम्मी जमात पढ़ाने के काबिल नहीं। क्या मर्तबा है, जर्रा बराबर भी, है ना। इसी तरीके से इनकी एक और दास्तान, इनकी मशहूर किताब और सबसे पहली किताब जो आलम जवानी में लिखा है मनाजिलुल आखिरा, उर्दू में भी इसका तर्जुमा है। तो मनाजिलुल आखिरा इनकी किताब लिख दिया था इन्होंने जवानी के आदब में। तो अब ये जहां रहते थे उनके पड़ोस ही में एक मस्जिद थी, तो इनके वालिद बुजुर्गवार रोजाना मस्जिद जाते थे जमात के लिए। तो वहां के इमाम जमात मनाजिलुल आखिरा किताब लेकर उसी में से हिकायत दास्तानी किस्से बयान करते थे। मनाजिलुल आखिरा में एक जुमले में इसकी वजाहत कर दूं, वो किताब है जो इंसान को मरने के बाद से लेकर जन्नत और जहन्नम के फैसले तक के हालात को बताती है, है ना, वो किताब है मनाजिलुल आखिरा। तो इस किताब से जाहिर सी बात है कि वो रोजाना हिकायात किस्से अहादीस नकल किया करते थे। एक दिन बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने दास्तान बयान कर दी। तो जाहिर सी बात है कि हर बाप को भी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा भी खतीब बने, वो भी कुछ बोले। तो ये घर आए और आने के बाद कहा कि ए बेटा अब्बास उम्मी, आज क्या जबरदस्त उस इमाम जमात ने किस्से सुनाए, दिल खुश हो गया। बेटा मेरी भी ये अरमान है, आरजू है कि तुम भी वैसे ही कुछ बोला करो। तो ये कहते हैं कि मेरे लब तक आ
आ गया था, होंठ तक आ गया था कि मैं ये बोलूं कि अब्बा जान वो जिस किताब से बोल रहे हैं वो किताब मैंने ही लिखा है, लेकिन यहां तक आने के बाद भी कहा कि मैंने खुदा के लिए लिखा है तो बाप को भी बताना मुनासिब नहीं समझता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नहीं मैं अपने बाप को भी नहीं बताऊंगा। कहा कि अब्बा जान आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि खुदा इतनी तौफीक दे कि मैं भी मारिफ़ अहले बैत बोल सकूं। है ना, तो ये इनका इखलास है। अगर इस खुलूस से आदमी कलम उठाता है तो फिर शहजादी की हदीस को देखिए कि खुदा बंदे आलम क्या असर उसे अता करता है। ये शेख अब्बास से खुनरी एक जगह दावत पर जाते हैं और दावत हो जाने के बाद घर वाले कहते हैं कि आप आलिम दीन हैं, हमारा एक बच्चा बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लाइलाज करार दे दिया है, वो बहुत अरसे से बिस्तर के हवाले है, ना उठता है, ना हरकत करता है, ना कुछ बोलता है, आप भी दुआ कर दीजिए। कहा अच्छा, तो कहा एक गिलास पानी लेकर आओ। ये एक गिलास पानी लेकर आते हैं तो अपनी एक ज़ियारत के इशारे वाली उंगली को पानी में डुबोते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दे देते हैं कि इस बच्चे को ये पानी पिला दो। घर वालों का कहना है कि हमने ये पानी पिलाया, अभी शेख अब्बास उम्मी घर के बाहर भी नहीं निकले थे कि बरसों और सालों से पड़ा हुआ बच्चा उठ खड़ा हो गया, माँ बाप की आगोश से निपट गया। तो फिर उन्होंने घर वालों ने इनको बुलाया और कहा कि आका जरा माजरे को देखिए, और देखा तो कहा कि आया आका आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि जो डॉक्टरों से काम नहीं हो सका, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हजरात से जो काम नहीं हो सका, आपके एक गिलास पानी ने वो काम कर दिया। कहा तुम ये ना समझना कि ये मेरा असर है, याद रखो मैंने उस उंगली को उसमें डुबाया है जिसने कुछ लिखने के लिए उठाया है, तो ये उंगली वही है कि या तो इसने कुरान को लिखा है या अहले बैत के सराबीन को लिखा है। असर इखलास के लिए है ना, खुलूस से अगर इंसान अगर काम करता है तो नतीजा भी उसका मिलता है। आप इमाम खुमैनी को क्या समझते हैं, यूं ही वो एक बहुत बड़े मर्जा बन गए, मुज्तहिद बन गए, उनके लिए भी एक मर्तबा जमात बहुत बड़ी है, इंतजार किया जा रहा है कि आप आ जाइए नमाज पढ़ाने के लिए। ये आ रहे थे तो जैसे आप बाहर जूतियां वगैरह रखी जाती हैं तो वो बहुत सारी जूतियां रखी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं अब अंदर नहीं जाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत इसरार किया तो उन्होंने बताया इस वजह से कि अगर मैं इन जूतियों की चप्पलों और जूतियों के ऊपर से गुजर के जाऊंगा, पता नहीं किसका जूता खराब हो जाए, किसकी चप्पल खराब हो जाए, किसी के हक को पामाल करके मुझे जमात पढ़ाने का शौक नहीं है, है ना। तो ये याद रखिए, ये लो सफेद कपड़े पहन लेने वाला लीडर नहीं है, बुरे वक्त में लोगों के काम आने वाला लीडर होता है। सलावत पढ़ने मोहम्मद हमारे इस राज के बारे में हम क्या कहें, ये कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। चार रेशन की किट हमारे पास क्या आ गई, बैतुल माल का पैसा फीस के लिए क्या आ गया, तो हम ये कहते हैं कि ये फुलां पार्टी का है हम उसे किट नहीं देंगे, ये फुलां पार्टी से ताल्लुक रखता है हम उसके फीस अदा नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है, ये इमाम का माल है। लेकिन ये आप देखते हैं, ये आंखों देखे हुए वाकयात हैं, है ना। तो एक बच्चे को भेज दिया जाता है ये कहकर कि तुम्हारे अब्बा ने उन लोगों से किट मांगा था, जाओ अब उन्हीं से फीस मांग लो। ये कोई इंसाफ हुई, कोई ये बात हुई, है ना। तो ये हमारा इखलास है और हम चाहते हैं अल्लाह अकबर। और ऐसे लोगों को देखा भी है, इतने बड़े मुखलिस बनते हैं कि वक्त के इमाम का नाम सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। भाई कैसे तुम ऐसे आंसू निकाल रहे हो, ये कहीं मगरमच्छ के आंसू तो नहीं है। तो ये हमारे इखलास का। अब और एक दास्तान देखिए, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने नकल किया है। ये फारसी बहुत बड़े अदीब थे, फारसी जबान के बहुत सारे अशार इनके हैं,
और कभी कभी अशआर की वजाहत में इन्होंने दास्तान और हिकायतें नकल की हैं। तो उसमें से एक दास्तान है, एक बाप और बेटे को बादशाह ने बुलाया था अपने घर पर, दावत की थी एक बादशाह ने। बाप और बेटा दोनों जाते हैं, अल्लाह अकबर, बाप और बेटा दोनों जाते हैं, नमाज की नौबत आई, बड़े ही खुलूस से बुलंद आवाज में रोते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या अंदाज उनका था, है ना, वो नमाज अदा की। अब दस्तरखान में बैठने की नौबत आई तो दस्तरखान में बैठे, दो लुकमे खाए और उठ गए, अपना हाथ धो लिया, किसने, बाप ने, ये बेटा पूरा मंजर देख रहा है। अब वहां से बच्चे ने कहा बाबा और थोड़ा सा खा लीजिए, कहा नहीं अब क्या यहाँ खाना है, बस पेट भर गया, मन भर गया, अब ज्यादा थोड़ी ना खा सकेंगे, लेकिन पेट थोड़ी ना किसी की सुनता है, एक बड़े से बड़े कुएं का मुंह भी आप खाली रख सकते हैं लेकिन पेट को आप जवाब नहीं दे सकते। तो अब ये घर गए, घर जाने के बाद कहा बेगम अगर खाने के लिए कुछ है तो लेकर आओ। बच्चे ने कहा बाबा ये क्या, बहुत तवज्जो में रहते थे। बच्चे ने कहा बाबा आप तो वहां खा चुके। कहा बेटा वहां तो दो ही लुकमा खाया था, उससे पेट थोड़ी ना भरता है। तो फिर कहा क्या करें, कहा मुझे दोबारा खाना है। तो बेटे ने कहा बाबा वहां आपने खुलूस से नमाज पढ़ी थी, तो जिस तरीके से आप दोबारा खाना खा रहे हैं वैसे ही दोबारा नमाज भी पढ़ लीजिए। क्यों, इसलिए कि जिस तरह लोगों को दिखाने के लिए आपने खाना खाया था वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए नमाज भी पढ़ा है। ये हमारे इखलास का मेयार है, इस दर्जा हम पस्त हो चुके हैं। पोस्टर में मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, मुझ जैसे तालिबे इल्म बाय मिस्टेक किसी से मौलाना लिखना हस्फ हो जाता है, भूल जाता है पोस्टर में, बाय मिस्टेक कोई नाजिम अल्लामा कहना छोड़ देता है तो एक कयामत खड़ी हो जाती है। हाँ, ये क्या मुसीबत है। तो इखलास जो भी खुलूस के साथ अमल अंजाम देता है, शहजादी करें कि यह खुदा का वादा है कि वो खलवत में तन्हाई में भी अगर वो अमल अंजाम देता है तो खुदावंद आलम उसके अमल को इतना उजागर करता है कि हर एक की जबान पर उसके अमल का तस्किरा होता है। शेख मोहम्मद हसन नजफी, ये शेख मुर्तुदा अंसारी के भी उस्ताद हैं, अल्लाह अकबर, शेख हसन नजफी, इनकी किताब है फिक में अल जवाहिर, जवाहिरुल कलाम के नाम से याद किया जाता है। तो क्या खुलूस के साथ, देखिए इन्होंने किताब लिखी, और जब ये खुलूस से किताब लिखते हैं, शागिर्दों की तरबियत करते हैं, तो मुर्तजा अंसारी जैसा शागिर्द वजूद में आता है, यूं ही नहीं है। तो ये किताब लिख रहे थे, अचानक इनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बाप हो अगर जवान बेटा मारा जाता है तो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए, लेकिन घर में जवान बेटे की मौत हो चुकी है, चूंकि रात हो गई थी, लोगों ने कहा कि अब हवा फिजा तारीख हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, अब पुराने जमाने की बात है, आज के जैसे लाइट वगैरह और ये सिस्टम थोड़े ना रहा होगा, तो कहा कि हम कल सुबह इससे इसकी लाश को दफनाएंगे और इसकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। तो सारे घर वाले रोने में मशगूल हैं, लेकिन ये क्या जनाजे के पास बैठकर पूरा डेढ़ सफा किताब लिखते हैं ना, वो किताब जो आज पढ़ाई जाती है, जिनके नजरियात आज बयान किए जाते हैं, है ना। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आका आपने ये क्या कर दिया, अजब नहीं ये जवाब दें कि ए नादान तुझे नहीं मालूम क्या तूने शहजादी ज़ैनब को नहीं देखा कि कितनी मुसीबतों के बाद कहा था मा रही तो इल्ला जमीला, है ना, सारी मुसीबतें जनाब ज़ैनब के बाद टूट पड़ी जनाब ज़ैनब के ऊपर, इन मसाइब व आलाम के बाद भी जब पूछा गया कि तुमने खुदा को कैसे पाया, तो जवाब क्या मिलता है कि मैंने सिवाय खूबसूरती के खुदा के यहां कुछ नहीं देखा, है ना। तो उसके मकतब का जो परवरदा होता है वो हसन नजफी जैसा आलिम दीन होता है।
सेकंड से क्या किया है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, एक बुजुर्ग आदमी, उनकी आदत हो चुकी थी कि वो पहली सफ में हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे। पूरे 30 साल इन्होंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की है। एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं, एक महीना नहीं, दो महीने नहीं अंकल, पूरे 30 साल है ना। पूरी एक नस्ल जो है चेंज हो जाती है 25 से 30 साल के अंदर। तो 30 साल खड़े होकर, और आपको ये बात भी अर्ज कर दूं कि हम लोग इतराते हैं पहली सब में खड़े होने से, पहली सब में खड़े होने का सवाब देखिए रिवायत में है, मैंने सुबह की क्लास में भी इशारा किया था। पैगंबर फरमाते हैं कि पहली सब में खड़े होकर नमाज अदा करने में और बाकी सफों में खड़े होकर नमाज अदा करने में, इन दोनों की नमाजों में उतना ही फर्क है जितना मेरी और मेरी उम्मत की नमाज में फर्क है। बात शायद नहीं पहुंच सकी आप तक, है ना। जितना मेरी और उम्मत की नमाज में फर्क पाया जाता है, उतना ही पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने में और बाकी सफों में खड़े होकर नमाज पढ़ने में। और एक जगह पैगंबर फरमाते हैं कि अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाता कि पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का क्या सवाब है, तो लोग पहली सफ में खड़े होने के लिए कुर्रा कशी करते। आज हम कट के अव्वलन तो मस्जिद में आना ही हमारे लिए मुश्किल है, अब फिर उसके बाद पहली सफ में वो तो ये तो बोली सफर का बुढ़े खाने का काम है ना। तो 30 साल पूरे पहली सफ में खड़े होकर उन्होंने नमाज अदा की। तो आप क्या समझते हैं भी एक इबादत है, और ये जो हम खामोश हो जाते हैं, मैंने पहले भी इशारा किया है, फिर भी बाज जवान ये पूछते हैं कि उनकी अजान से हमारा क्या ताल्लुक, मौलाना दे दरजे हमारा काम हमें करिए ना, ऐसा नहीं है। अजान अजान है, अजान सुनकर अजान का एहतराम करना ये चौथे इमाम की सीरत है। फरमाते हैं कि अजान सुनकर इसलिए भी एहतराम करो कि ये अजान नहीं है, मेरे बाप की जीत के नखारे हैं। पहली सफ में खड़े होकर उन्होंने नमाज जमात अदा की, एक दिन उनसे लेट हो गया, पता नहीं जाम में फंस गए थे, ट्रैफिक जाम में या कौन सा 3 मिनट का सिग्नल उनको आड़े आ गया था, क्या हो गया, वो पहुंच नहीं सके। कहां? पहली सफ में। दूसरी सफ में खड़े हुए तो थोड़ी देर के लिए जिल्लत को महसूस किया कि आज क्या हो गया दूसरी सफ में। अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आज क्या हो गया, आज पहली सफ में आप खड़े नहीं हुए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर फौरन है ना, बाज वाकन अगर किसी के पास जरा बराबर भी इखलास की झलकी हो तो खुदा उन्हें टोक देता है। तो एक गैबी आवाज ऐसे लगा कि वो सुन रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और 30 साल तुमने क्या लोगों के लिए नमाज पढ़ी पहली सफ में खड़े होकर? तो ये फौरन शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि शायद मेरा 30 साल में वो इखलास नहीं रहा, इसलिए कि नमाज नमाज है, अगर हो गया कभी मिस्टेक तो दूसरी सफ में भी इंसान को जिल्लत का एहसास नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गैर खुदा के लिए नमाज अदा कर दी हो। वो मर्द आदमी ये कहते हैं कि मैंने फिर 30 साल की नमाज कजा अदा की है। हमारी एक जगह मैं तबलीग के लिए गया था मुहर्रम इसमें रमजान में, माह मुबारक के रमजान में, तो रोजाना 2 दिन की कजा नमाज पढ़ाता था, वाजिब नमाजें तो थी ही, कुरान खानी के बाद 2 दिन की कजा नमाज पढ़ाता था। तो एक साहब ने कहा क्या मोहरा आदमिया क्या शीच नहीं फिर रही आपसे, तो
हमारी मुसीबत है, सही। तो क्या 30 साल की नमाज के बाद, और एक दास्तान में सुना दूं, ये आखिरी दास्तान होगी, हजरत बहलोल है ना, बहुत बड़ी हिकमतें है ना इनसे जारी हुई हैं, और इनको मोमिन आले फिरौन के नाम से भी याद किया है, यानी इतने ये अहले बैत के चाहने वाले थे कि फिरौन और उनके दरमियान रहकर एक आदमी ने जिस तरीके से अपने ईमान को बचाया था, वैसे ही ये थे खुलफा के दरबार में रहते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी अहले बैत की तबलीग की है कि उसका अंदाजा नहीं। एक जगह ये रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि मस्जिद बन रही है, तैयार हो रही है मस्जिद, और बिल्कुल अब उसकी इफ्तिताह होना है, ओपन सेरेमनी उस मस्जिद की होना है। तो इन्होंने क्या देखा कि रात में सब तैयारी कर रहे हैं मस्जिद की ओपन सेरेमनी की, तो ये भी दूर से जाते हैं और एक बोर्ड छोटा सा बनवा लेते हैं और उस पर लिख देते हैं मस्जिद बहलोल ना, ले आके मस्जिद के दरवाजे के पास लगा देते हैं। आप सारे लोग जो जो भी मस्जिद में आ रहा है, अरे मस्जिद बहलोल क्या हो गया है, कहाँ है, उसे पकड़ो। तो सारे लोग ढूंढते हुए गए, हजरत बहलोल को पकड़े और कहा कि बहलोल तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारे बाप की जागीर है, तुमने ये कर दिया। कहा कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है तो मेरी हालत को खुदा बेहतर जानता है ना, अगर तुमने अल्लाह के लिए बनाया है तो मेरे नाम से क्या लेना देना, वो खुदा तुम्हारे दिलों को बेहतर जानता है। अगर तुमने अल्लाह के लिए बनाया है तो फिर तुम्हें एतराज क्यों है, मैंने नहीं बनाया, खुदा तो जानता है ना। ये हमारा खुलूस है बार बार, लेकिन हम उस घराने से हमारा ताल्लुक है, उनके इखलास की बात की जाए तो क्या कहना। मौला इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं एक खुलास बचपने में पूरी रात मैंने मेरी माँ को देखा कि वो नमाज पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, तो मैं हमेशा मेरी माँ से एक ही दुआ को सुनता हूँ, अलजार सुम्मद्दा, पहले पड़ोसी और फिर घर, है ना। तो कभी मेरी माँ को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपने लिए दुआ मांगी, अपने लिए कुछ अल्लाह से तलब किया हो। ये माँ फातिमा वो माँ है, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी अपनी खास और सगी माँ भी हमें उतना नहीं चाहती जितना हमारी माँ फातिमा हमें चाहती है। मैं दलील भी दे दूं आपके लिए, अजीब रिवायत है, हम सुनते हैं यहां तक कि जनाबे अस्मा से शहजादी ने कहा था कि अस्मा जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे ये समझ लेना कि मैं जिंदा हूं, मेरी आवाज बंद हो जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में ना रही। तब इस जगह पर कोई भी रहेगा वो बेकरार तो होगा ही। जनाब अस्मा कहती है कि बार 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 मैं जाती थी तो एक मरतबा मैंने थोड़ी देर के लिए देखा कि तस्बीह और तहलील की आवाज तो बंद हो गई है। मेरा दिल ऊपर तक आ रहा था कि अब शहजादी के साथ क्या हो गया होगा, फिर अचानक मैंने देखा कि ऐसे लग रहा है शहजादी किसी से गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है। ने कहा यहां से तो कोई गुजरा नहीं, आखिर शहजादी किससे बात कर रही है। तो अस्मा कहती हैं अल्लाह अकबर, हम कितने बड़े खुश नसीब हैं मेरे अजीजों, इस एक दुआ का जुमला भी हम समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है शहजादी की मारफत हासिल करने के लिए। अस्मा कहती हैं कि ये किससे बात कर रही हैं, मैं करीब गई और अपने कानों को दरवाजे के करीब किया तो मैंने देखा शहजादी ये कह रही थी कि परवरदिगार मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरे बाबा की उम्मत पर रहम करना, उस पर रहमत नाजिल करना। कौन सी माँ है और किस कदर शहजादी ने हमें याद किया है, अल्लाह अकबर। और इस शहजादी के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा जुल्म, मैं ये कहूं कि क्या नहीं हुआ शहजादी के ऊपर। फारसी शायर एक शेर कहता है कि आम सीने ही के मकसद असरार बूद,
کہ ان سزا مارے درو دیوار کو. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مفہومی ترجمہ کر دوں. وہ کہتا ہے کہ شہزادی پر کیسے کیسے مصیبت آ گئے ہے نا. شہزادی کا سینہ تو وہ سینہ تھا جو علوم الہی کا خزانہ تھا, اسرار نبوت کا خزانہ تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ جو سینہ علوم الہی کا خزانہ ہو, کیا وہ اسی لائق ہے کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں ہے. معمولی بات نہیں ہے. شہزادی نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا ہے زیادہ. ایک مرتبہ مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, کتنی بڑی مظلومیت ہے عزاداروں. مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھا کہ شہزادی اپنے سر کو زانوں پر رکھ کے گریہ کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. مولا کائنات آگے بڑھے اور دھیمی آواز میں کہا, اے بنت رسول, اے مادر حسن و حسین, کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ بتاؤ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو شہزادی نے کہا, اے علی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لیے رو رہی ہوں؟ کہا, پھر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تو شہزادی کہتی ہیں کہ اے علی, کیا مجھے اتنا بھی لائق نہیں سمجھا کہ آپ یہ بات مجھے بتاتے؟ کہا, شہزادی, ہوا کیا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کنیزوں کے ذریعے سے سنا ہے کہ آپ گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ سن کر میرا مولا علی کہتا ہے, اے فاطمہ, یہ بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے, لوگ سلام نہیں کرتے, یہ پرانی بات ہے. اے فاطمہ, آپ یہ تو بتا رہی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں, لوگ جواب نہیں دیتے. ظالم, آپ وہ لکڑیاں لے کر شہزادی کے گھر کے حصار میں ہیں, حلقے میں لے چکے ہیں. شہزادی, اللہ اکبر, مولا کائنات کے دفاع میں دیکھیے, کیسا دفاع نہیں کیا. رسول کی رحلت کے بعد ایک ایک گھر جاتی, جب کبھی رسول کے ساتھ شہزادی گزرتی تو ہر گھر کے دروازے پر لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں, شہزادی, ہمارے گھر تشریف لائیے. لیکن کتنا زمانہ بدل گیا رسول کی رحلت کے بعد. ارے غدیر کے واقعے کو سنانے کے لیے, علی کے دفاع کے لیے علی کے ساتھ جاتی ہے, ایک ایک دروازے پہ دقل واقع کرتی ہے تو لوگ دروازہ بھی نہیں کھولتے کہ علی کی زوجہ فاطمہ آ رہی ہے. اللہ اکبر, کتنا دفاع نہیں کیا شہزادی نے, اور پہلی مدافع ولایت ہے. تو مولا کائنات کے دفاع میں گھر میں دروازہ جل رہا ہے, آگ بھڑک رہی ہے, شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دو. لیکن فاطمہ ہیں کہ مولا کائنات کی کمر پر بندھے ہوئے اس پٹکے کو اتنا مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف دس لوگ کھینچ رہے ہیں, ایک طرف اکیلی فاطمہ ہے, لیکن لوگوں سے نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک ظالم نے آواز دی, اے خنفس, تمہارا درنا کب کام آئے گا, تمہارا تازیانہ کب کام آئے گا؟ وہ تازیانہ لے کر جاتا ہے اور شہزادی کے ہاتھ میں مارتا ہے. اس تازیانے کی کیفیت کیا تھی؟ جناب زینب بیان کرتی ہے کہ جب سے اس ظالم کا تازیانہ میری ماں کے ہاتھ میں لگا, اس وقت سے میری ماں نے دائیں ہاتھ سے تسبیح پھیرنا چھوڑ دیا. جزاک اللہ خیرا, آج کی یہ بدر شب شہادت ہے, شب عاشور سے کم اسے نہ سمجھنا, اس لیے کہ شب عاشور فاطمہ کے رونے کی رات ہے, آج کی شب حسین کے رونے کی رات ہے. شب عاشور فاطمہ کی بے قراری کی شب ہے, آج علی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بے قراری کی شب ہے. اللہ اکبر, عزادارو, ایک مرتبہ شہزادی نے پھر بھی مضبوطی سے پکڑا تو کیا حادثہ ہوا؟ ایک شقی آگے بڑھتا ہے غلاف شمشیر کو, یعنی نیام شمشیر کو, وہ چیز جو تلوار جس میں رکھی جاتی ہے, اس نیام کو جو چمڑے کی بنی ہوئی تھی, بہت مضبوط تھی, شہزادی کے پسلوں کو پہنوں پر مارتا ہے. ایک مرتبہ شہزادی آواز دیتی ہے, یا فضت و خدینی لقد سبتت ما فی آشائی, اے فضت, آؤ ذرا مجھے بچا لو, میرا
मोहसिन मारा गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह ये कहा, उसके बाद शहजादी को बश आया और शहजादी को बश से इफाफा हुआ तो क्या देखा, अरे अपने दर्द की तवज्जो नहीं है। एक मरतबा फिज़ा से सवाल करती है, अइना अबुल हसन, अरे मेरा अली कहाँ है, अली नजर नहीं आता। एक मरतबा फिज़ा कहती है, ए शहजादी मैंने देखा अली को इस हालत में लेकर जा रहे थे, तो कुछ लोग गले में रस्सियां डालकर आगे से कह रहे थे, कुछ अली को पीछे से ढकेल रहे थे। वो मस्जिद नबवी की तरफ गए हैं, अली से बयात लेने के लिए गए हैं, ये सुनना था। वो शहजादी दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि एक मतलब बहुत जबरदस्ती अली के साथ की जा रही है, तो कहा के देखो दो जुमले हैं। एक मतलब शहजादी ने कहा, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल परेशान कर लूंगी। एक दूसरा जुमला शहजादी ने कहा, ए लोगो अली को छोड़ दो वरना मेरे बाबा का कुर्ता अपने सर पे रख लूंगी। अरे इस कुर्ते का मतलब क्या है? इमाम बाकिर कहते हैं कि अगर शहजादी मेरी जद्दा फातिमा रसूल का कुर्ता सर पे रख लेती तो मदीने का एक मुसलमान जिंदा ना रहता। जैसे ही ये देखा तो ऐसी हालत में भी मौलाए कायनात ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान जाओ अली की बेटी से कह दो, अली की दौजा रसूल की बेटी से कह दो कि वो बद्दुआ के लिए हाथ ना उठाए। सलमान कहते हैं मैं गया तो फातिमा के हाथ उठे हुए थे, हाथ के उठने का असर था वो मस्जिद नबवी की दीवार इतना बुलंद हो गई कि एक घोड़ा उस पर एक सवार आराम से गुजर सकता था, इतनी दीवारें बुलंद हो गई। तो कहा फातिमा, रसूल अली का पैगाम है। कहा अली का क्या पैगाम है? अली कह रहे बद्दुआ के लिए हाथ ना उठाना। वो फातिमा ने अपने हाथों को रोक लिया। रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद घर गई है तो फिर दरबार जाना पड़ा। अब दरबार में क्या हुआ मैं वो तो नहीं बयान करूंगा। दरबार से वापस आई तो क्या कैफियत थी, आके मुसल्ले पर बैठी है तो ज़ैनब आगे बढ़ती है और कहती, या अय्यतुल ज़ईफा मन अंत हाजी मस्तद उम्मी, ए बूढ़ी का तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है? ए ज़ईफा तू कौन है, तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो मेरी माँ फातिमा का मुसल्ला है, कहीं तेरी जगह नहीं है। इतना सुनना तो फातिमा ने सर उठाया तो ताए बेटा ज़ैनब, जैसे ही फातिमा की ये हालत देखी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, सुन सको तो सुनो आजा करो। ज़ैनब ने एक सवाल किया, कहे मातरे गिरामी लगता है दरबार में लोगों ने आपको बैठने के लिए नहीं कहा, लोगों ने आपको बैठने नहीं दिया। उसके बाद ज़ैनब को देखकर फातिमा रोने लगी। क्या मैंने तुझे गलत सवाल कर लिया कि आप रो रही हैं? कहा बेटा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रो रही हूँ। अरे आज मैं सहाबियों के दरबार से आई हूँ तो तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, तो तुम शराबियों के दरबार। अल्लाह अकबर, जदातुल्लाह खैरन जदा। तो उसके बाद क्या, फातिमा का एक ही काम है, अल्लाह अकबर। फातिमा मुसल्ला इबादत में रहती है, उम्मत रसूल के लिए दुआ करती है और नमाज अदा किया करती है। लेकिन अजीब कैफियत है और उस कैफियत को बयान करने के लिए मैं एक सहारा लूंगा, एक छोटे से वाकये का। उस्ताद हुसैन अंसारियान ईरान के बहुत बड़े खतीब हैं, वो कहते हैं कि एक दिन मैंने मजलिस पढ़ी, उस मजलिस में ये कहा कि फातिमा की पसलियां चूर चूर हो चुकी थी, उसे गिरिया बहुत हुआ, इसलिए कि हर एक की माँ है, हमारी माँ के ऊपर एक तमाचा लग जाए तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है, कोई तौहीन करे तो क्या गुजरती है। अरे फातिमा के पसलियों के टूटने का गम सुझे हजादार ना रोए हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि लोगों ने खूब गिरिया किया और खूब अपना सीना पीटा और सब लोग चले गए। एक आदमी मुसलसल रो रहा था, वो मैं करीब गया, उसे गले से लगाया और मैंने कहा, भाई सब चले गए तू क्यों नहीं गया, सुनो कि आजादारों। वो कहते हैं सब चले गए इसलिए कि वो हकीकत से वाकिफ नहीं थे। मैं हकीकत से वाकिफ हूँ। कहा तुम्हारा मतलब क्या है? कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अरे पसली में सूट ना
खबर ना हो वो फातिमा अली को खबर ना हो इसलिए क्या किया करती थी, बाकायदा चक्की भी चलाती थी, बाकायदा नमाज के शब्द खड़े होकर अदा करती थी ताकि अली को इसकी खबर ना हो। अल्लाह अकबर, आखिरकार वो वक्त भी आया कि अली गुस्से रहे हैं। एक मर्तबा बुलंद आवाज में चीख मारी, सलमान आगे बढ़े, कामाला आपने बहुत सारे मारे के सदर सर किए, कभी आपने ऐसी आवाज नहीं निकाली, आज क्या हो गया? बता सलमान, जो मैंने देखा वो किसी और ने नहीं देखा। दस्ते अदब जोड़े कहा, ए मौला बताइए आपने क्या देखा? बता सलमान, सवाल ना करो तो अच्छा है, बता आपको उसी फातिमा का वास्ता। जैसे ये सुना मौला ने कहा, ए सलमान मैं देख रहा था कि फातिमा की पसलियां चूर हो गई है, कभी फातिमा ने उस गम का इजहार मेरे सामने नहीं ये
बुलाती है आए हुसैन।
पास आए हुसैन। आए शब्बीर सहरा के तू यूं ही थे, आए शब्बीर सहरा के तू यूं ही थे, चक्की पीस के मैंने भाला तुझे, आमे लाल रामा के सर जागर थे, वक्त फुसत है कैसे नहीं रूट थे, माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, yeah।
جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما ومدفونا بأرض طوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا حجة المنان الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وصورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته